आईआईटी खड़गपुर द्वारा आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस की परिणामों में एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर इतिहास रचा है। एक बार फिर यहां के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की है। एलन नागपुर के सेंटर हेड आशुतोष हिसारिया ने बताया कि एलन नागपुर के छात्र ऋषभ घेरवान ने 110वीं रैंक हासिल कर विदर्भ में टॉप किया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। लगातार दूसरी बार एलएन नागपुर के स्टूडेंट्स ने विदर्भ में टॉप किया है। इसके साथ ही एलएन नागपुर से दो स्टूडेंट्स ने टॉप 500 और पांच ने टॉप 1000 में स्थान बनाया। आयुष श्रीवास्तव ने 472, पार्थ कस्तूरे 593, जैन धर्मोले 747 और विवेक भोजवानी ने 820 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। ये स्टूडेंट्स की मेहनत और एलएन का सपोर्ट है जो जेईई एडवांस में लगातार ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। पिछले 8 वर्षों में चौथी बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है और सर्वाधिक प्रतिशत अंक मृदुल ने प्राप्त किए हैं। एलन का प्रयास है कि हर स्टूडेंट को बेस्ट सुविधाएं दी जाए, बेस्ट फैकल्टी दी जाए, ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। एलन के ये प्रयास जारी रहेंगे। बाइट ऋषभ भिलाई का रहने वाला है। उनके पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर हैं और माताजी गृहिणी हैं। ऋषभ ने बताया कि जेईई एडवांस की तैयारी के लिए मेरे घर के सपोर्ट के अलावा एलएन नागपुर के टीचर्स के साथ साथ एलएन के सिस्टम ने काफी सपोर्ट किया, जिससे मैं परीक्षा में अच्छे परिणाम ला पाया। एलएन ज्वाइन करने के बाद मेरी 5 घंटे की क्लास और 7 घंटे का सेल्फ स्टडीज रहता था। यहाँ पर पढ़ने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हुए और रेगुलर ऑल इंडिया टेस्ट से मुझे पता चलता रहता था कि मुझे अभी कितनी मेहनत की जरूरत है। टीचर्स ने कोविड-19 के समय भी मेरी तैयारियों में हर मुमकिन मदद की। जो आईआईटी जेईई एडवांस का परिणाम आया, हम वो आप लोगों के साथ साझा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो दूसरा एकेडमिक सेशन है उसके अंदर जो हमने रिजल्ट दिए है आईआईटी एडवांस के अंदर, वो काफ़ी संतोषजनक रिजल्ट है। इसके अंदर ऋषभ गहरवार की ऑल इंडिया रैंक 110 आई है, जो कि अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार विदर्भ क्षेत्र के अंदर बेस्ट रैंक ही है। उसके अलावा आयुष श्रीवास्तव 472 रैंक है। उसके अलावा पार्थ 593 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर पाए हैं। जयंत मेरे साथ में है, उन्होंने 747 और फिर विवेक ने 820 रैंक अचीव की है। ये सभी नागपुर सेंटर के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स रहे हैं, तो ये अपने आप में एक गर्व का विषय है। जेईई एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इसका आइडिया तो मुझे पहले से ही था कि 9 लाख लोग जेईई मेन देते हैं, उसमें 2.5 लाख लोग जेईई एडवांस देते हैं, तो इतने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और इसमें आईआईटीज की सीट भी लिमिटेड रहती है, तो इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन क्लास 10 बोर्ड के बाद स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर 2020 में कोविड लॉकडाउन आ गया, मेरी पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। इसमें इनिशियली थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, पर फिर क्लासेस अटेंड करने में और मॉक टेस्ट देने में और मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरी फैमिली का सपोर्ट, इन सब ने मुझको मोटिवेटेड रखा और फिर मैं एग्ज़ाम में अपना ये रिजल्ट अचीव कर पाया। एलएन ज्वाइन करने के बाद मुझे पढ़ाई करने का सही तरीका पता चला और टीचर्स के सही मार्गदर्शन के कारण मैं इस परीक्षा में सफल हो पाया। ऋषभ आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।